Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from two IITians. बच्चों, हमारे फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट वीडियो पाने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करिए या फिर इस नंबर पर कॉल करिए। आप हमसे गूगल मीट पर लाइव भी पढ़ाई कर सकते हैं, उसके लिए इसी नंबर पर व्हाट्सएप करिए। हम लोग दो मटेरियल को रगड़ते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि चट चट की आवाज आती है। कई बार आप टी शर्ट उतारते हैं और फिर कुर्सी में बैठते हैं प्लास्टिक की, तो आपको चिट चिट लगता है, थोड़ा सा लगता है कि कुछ चार्ज पार्टिकल आपसे चिपक रहे हैं या आपसे निकल रहे हैं। ऐसी स्थिति को ही बोलते हैं दैट द मटेरियल इज इलेक्ट्रिफाइड। सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट एम्बर और वुल के साथ किया था थेल्स ने, वही थेल्स जो मैथ्स वाले थे, वो यूनानी आदमी थे, यूनानी साइंटिस्ट थे। उसके बाद ये 2000 साल तक इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया और फिर गिलबर्ट आए। गिलबर्ट ने बोला, अरे ये एम्बर वुल से अकेले नहीं होता है, ग्लास से कर लो, एगोनाइट से कर लो, पेपर से कर लो। फिर और भी साइंटिस्ट आए, पता नहीं किसने बताया। फिर बच्चों को ये सिखाया गया कि कंघा लो और कंघे को सर पे रगड़ो, फिर कागज चिपकाओ, तो वो भी काम करने लगा। कंघा वाला किसने बताया तो पता ही नहीं चला। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दो मटेरियल को रगड़ते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो चार्ज हो जाते हैं। चार्ज किस लिए होते हैं? क्योंकि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है उसमें। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है? इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से आती है। अभी जब हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव को डिस्कस करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, तो हम पॉजिटिव बोलते हैं और तब हम लोग नेगेटिव बोलते हैं। तो इस तरह से अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज की ही डेफिनेशन आपसे पूछ ले तो आप बोलिए, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक इफेक्ट वही है चट चट। और जब इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है तो आप जैसे लाइव वायर में अपना हाथ रख दे तो बहुत बुरी तरह हिल जाते। इलेक्ट्रिक इफेक्ट केवल चटचट तक नहीं होता। जब कोई मटेरियल चार्ज्ड हो जाता है या इलेक्ट्रिफाइड हो जाता है तो हम उसे चार्ज्ड मटेरियल कह देते हैं। समझते हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस को। अगर हम एक ग्लास रॉड को सिल्क रॉड से रगड़ते हैं तो ये तो हमने समझ लिया कि वो लोग चार्ज्ड हो जाते हैं या इलेक्ट्रिफाइड हो जाते हैं। एगोनाइट और कैट स्किन को भी आपस में रगड़ते हैं तो ये दोनों भी इलेक्ट्रिफाइड हो जाते हैं या चार्ज हो जाते हैं। लेकिन अब इस रगड़ी हुई ग्लास रॉड को जब एक और वैसी ही ग्लास रॉड के पास लाते हैं तो देखते हैं कि ये भाई दूर भाग रहे हैं। फिर यही काम एबोनाइट से किया गया, रगड़ी हुई एबोनाइट रॉड और रगड़ी हुई एक और एबोनाइट रॉड, तो देखा ये आपस में एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। देखो, जब सीधे लटकी हुई होगी और इसको लाए तो ये इधर भागने लगी, तभी अपनी स्ट्रिंग टेढ़ी हो गई है। लेकिन जब ग्लास और एबोनाइट को किया गया तो ये भाई चिपके जा रहे हैं, प्यार हो गया, चट आवाज आई। ये ही चट आवाज क्या है? ये होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ये होता है न्यूट्रलाइजेशन की वजह से। कई बार आप जब दो वायर को आपस में टच करा देते हैं तो भी चट आवाज आती है ना? आपका लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में टच कर जाते हैं तो भी आवाज आती है। तो इस ये जो चट आवाज है ये किसकी वजह से है? न्यूट्रलाइजेशन की वजह से, यानी कि न्यूट्रल हो जा रहा है, यानी दोनों एंड में जीरो चार्ज ले आ रहे हैं। तो और जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो जब इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई तब लोगों को पता चला, अच्छा जब हम इन दोनों को आपस में रगड़ते हैं तो ग्लास रॉड पॉजिटिव हो जाता है और सिल्क रॉड नेगेटिव हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और सिल्क रॉड में जाके बैठ जाते हैं। सारे नहीं निकलते, जितने निकल पाते हैं, उनका भी नाम है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल के इसमें चले गए। यहां पर उल्टा होता है, अपनी बिली नेगेटिव जो चार्जेस हैं इनको दे देती है, यानी कि कैट स्किन से निकलकर इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन डायग्राम बनाना है तो इलेक्ट्रॉन यहां इस रास्ते जा रहे हैं
और अगर इलेक्ट्रॉन डायग्राम बनाना है तो इलेक्ट्रॉन यहां इस रास्ते जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई चीज पॉजिटिवली चार्ज तब होती है जब उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएं, भाग जाएं, और कोई चीज नेगेटिवली चार्ज तब होती है जब उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं। तो यही है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नेगेटिव चार्ज एंड डर्थ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉनों की कमी जो है वो हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो अब आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा जैसा मैग्नेट्स में होता है कि यार ये पॉजिटिव था तो यहाँ पे क्या हो रहा था, रिपल्शन हो रहा था, दूर भाग रहे थे। ये नेगेटिव था, यहाँ पे भी रिपल्शन हो रहा था, दूर भाग रहे थे। ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, यहाँ क्या हो गया, अट्रैक्शन हो गया, पास आ जा रहे। और जैसे ही ये चिपक गए तो जितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें थे उन्होंने इसकी कमी को पूरा करने की कोशिश किया और वो इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए। और ये काम बहुत जल्दी होता है, इसीलिए इसमें आवाज भी आती है, लॉस ऑफ एनर्जी भी होता है। ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो हम लोग ने बात की थी वो रगड़ने की वजह से होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हमें कहां से, देखिए कोई भी एटम होता है भाई, ग्लास रॉड भी क्या है, मॉलिक्यूल से बना हुआ है। मॉलिक्यूल्स किससे बने, एटम से बने हुए। तो जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो थोड़े लूजली अटैच्ड होते हैं न्यूक्लियस से, और इसीलिए उन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनने में देर नहीं लगती है और वो एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे चले जाते हैं, यानी कि ग्लास रॉड से निकल के सिल्क पे चले जाते हैं या कैट स्किन से निकल के एबोनाइट पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से चीजें या तो पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज होती हैं। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन्स अनचार्ज्ड होते हैं, न्यूट्रल होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं। एक बार एग्जाम में आया था, एक डिफेंस एग्जाम में, कि भाई जो ये फ्रिक्शनल चार्जिंग जो होती है उसमें कौन रोल प्ले करते हैं, प्रोटॉन केवल, इलेक्ट्रॉन केवल, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन सारे, या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर। तो आंसर है उसका केवल इलेक्ट्रॉन, ओनली इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन फ्रिक्शनल चार्जिंग। तो याद रखिएगा, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज की डेफिनेशन क्या है, एनी मटेरियल विच हैज लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। उसी तरह नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस सिंबल होगा, ये तो पता ही है आपको। लाइक चार्जेस यहां से हम लोगों ने देख लिया था ना रॉड एक्सपेरिमेंट से, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो प्लस प्लस या माइनस माइनस होगा तो वो क्या दिखाएंगे, रिपल्शन दिखाएंगे। और प्लस माइनस, माइनस प्लस किसी को भी पहले रख दो, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लोग क्या दिखाएंगे, अट्रैक्शन दिखाएंगे। अट्रैक्शन हो रहा है इसीलिए लाल कलर से लिख रहा हूं मैं, है ना। चलो इतना अच्छे से नोट डाउन कर लो। और एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, आप कमेंट्स में बताइए, वैसे मैं थोड़ी देर बाद बता दूंगा कि प्लस माइनस नाम कौन से साइंटिस्ट ने दिए थे, प्लस माइनस नाम किस साइंटिस्ट ने दिए थे, और प्लस माइनस के बीच में मैं, चलो नाम साइंटिस्ट का नाम आप बता दो, और प्लस माइनस के बीच में जो रिपल्शन या अट्रैक्शन होता है उस फोर्स का नाम होता है कूलंबियन फोर्स। लेकिन प्लस माइनस नाम कूलंब ने नहीं दिए थे। आप जरा कमेंट्स में बताइए कि वो हमारे साइंटिस्ट कौन थे। और मैं ये आपको बता सकता हूं कि 1750 में उन्होंने काम किया था। चलो एक और हिंट दे देता हूं, एक साइंटिस्ट था जिसने पतंग उड़ाई थी और पतंग में जो धागा था वो वायर टाइप का था, तो इस तरफ उसने वहां पे भाई बिजली कड़क रही थी, बिजली कड़कती बिजली में उन्होंने अपनी पतंग घुसेड़ दी, उस पतंग से इस तरफ उन्होंने बल्ब जला लिया। वही साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लस माइनस नाम दिए थे। इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, यहां पर सवाल इस तरह आपके पास आ सकता है, एक्सप्लेन इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ बॉडी बाय इलेक्ट्रॉन मॉडल और बाय इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो हर एक इलेक्ट्रॉन
बल्कि हर एक एटम आपका कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तब तक जब तक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर्स इक्वल होता है। ये तो आप जानते हैं पहले से केमिस्ट्री के जूनियर क्लासेस से। अब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में जरा सा इंबैलेंस हो जाता है तो ये आयन बन जाता है, कैटायन या एनायन बन जाता है, यानी अगर फिजिक्स की भाषा में देखें तो पॉजिटिव या नेगेटिव बन जाता है। कैटायन पॉजिटिव होते हैं, एनायन नेगेटिव होते हैं। तो पॉजिटिव में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, नेगेटिव में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ये भी हम लोग सीख चुके हैं। तो जैसे ही ये इंबैलेंस आता है तभी इलेक्ट्रिफिकेशन हो पाता है। आपको इस क्वेश्चन में यही बताना है कि प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की कंडीशन जैसे ही गड़बड़ हो जाती, यानी या तो प्रोटॉन ज्यादा, या तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, या तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो उस केस में हमारी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। इस डिस्कशन में कहीं पे भी आपको प्रोटॉन्स का नाम नहीं लिखना है, इलेक्ट्रॉन का तो आप लिखेंगे ही और बट न्यूट्रॉन का आप नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से आप यहां पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फॉर द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ बॉडी ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल। इस पूरे डिस्कशन में आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की चर्चा करेंगे, गलती से भी ये मत बोल दीजिएगा कि प्रोटॉन्स का, अगर प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाएंगे तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। हालांकि अगर ऐसा किया जा सकता तो ये आपकी बात सही हो जाती, लेकिन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपस में न्यूक्लियर फोर्सेस से बंधे होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। एंड कौन सी न्यूक्लियर फोर्सेस से बंधे होते हैं? स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्सेस से। तो उतनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से जो चीज बंधी हुई है उसे हटाया नहीं जा सकता है। याद है ना, हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस सबसे पहले चैप्टर में फिजिकल वर्ल्ड में पढ़ा था। अगर आपने फिजिकल वर्ल्ड वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो इतना कॉपी कर लीजिए। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से ये हमें पता चला था कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज। इसी चीज को दूसरी तरीके से बोला जा सकता है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस कैनॉट बी डिवाइडेड इनडेफिनेटली। मतलब हम लोग चार्जेस को तोड़ तोड़ कर छोटा 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 करके इनफाइनाइटली तोड़ते नहीं चले जा सकते। एक लेवल आएगा कि उसके बाद तोड़ना असंभव हो जाएगा, कि उससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो स्मॉलेस्ट चार्ज क्या होता है? ई, 1.6 × 10⁻¹⁹, जिसको हम लोग बोलते हैं चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग कैसे, चार्ज एन इलेक्ट्रॉन अगर बोलेंगे तो कैसे डिनोट करेंगे? माइनस ई। चार्ज ऑन प्रोटॉन करेंगे कैसे? प्लस ई। चार्ज ऑन न्यूट्रॉन क्या करेंगे? जीरो, या प्लस जीरो ई भी लिख सकते हैं। आपका मान लीजिए कि आप यूनिट दिखाना चाहते हैं तो ठीक है, प्लस माइनस यहां लगाने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद अल्फा पार्टिकल कैसा होता है? प्लस टू ई। बीटा पार्टिकल कैसा होता है? माइनस ई। गामा फोटोन कैसा होता है? जीरो ई, है ना। तो यानी कि कोई भी अगर चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी इंटीजर आ सकते हैं, प्लस आ सकता है, माइनस आ सकता है, जीरो आ सकता है। इसलिए इस तरह के चार्जेस इम्पॉसिबल है कि भाई फ्रैक्शन हो गया, डेसिमल हो गया, ऐसा नहीं होगा। दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, इससे छोटा नहीं हो सकता है। अब ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट है इससे नीचे नहीं जा सकते, इससे ज्यादा डिवीजन हम नहीं कर सकते, इस चीज को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसी का एक और फैंसी नाम है एटॉमिसिटी ऑफ चार्ज। सही है? एटॉमिसिटी सुनकर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि भाई ये चीज तो इलेक्ट्रॉन के बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे एटम कैसे हो गया? एक्चुअली क्या है, एटम का मतलब ही होता है, एटॉम का मतलब होता है दैट विच कैनॉट बी डिवाइडेड। तो वो चीज डिवाइड ही नहीं हो सकती है, इसलिए उसका
नाम हम लोगों ने एटम दे दिया, ठीक है ना। तो ये एटॉमिसिटी इसका मतलब है, ये नहीं कि चार्ज अपने आप में एटम बन गया है, ऐसा मत समझिएगा। अच्छा, अब ये जो ऐसा चार्ज है जिससे नीचे नहीं जा सकते, इसका भी एक फैंसी नाम दे दिया क्या, एलिमेंटरी चार्ज। लेकिन ये चार्ज इतना छोटा होता है कि हमें इसका ज्यादा फर्क नहीं पता चलता है, रियल लाइफ में हम इसको ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं दे पाते, ज्यादा हम समझ नहीं पाते। एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको समझ में आएगा कि ये चार्ज कितना छोटा होता होगा और क्यों हमें नहीं समझ में आता। एक 200 वोल्ट सप्लाई से 100 वॉट बल्ब को जोड़ा गया। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू इट्स टंगस्टन फिलामेंट। तो ये जो लाल कलर से मैंने बनाया है, ये टंगस्टन फिलामेंट है। आप कमेंट्स में बताइए टंगस्टन का पीरियोडिक टेबल में क्या सिंबल होता है। और ये जो है रेड कलर से मैंने जरूर बनाया है, लेकिन बल्ब एक्चुअली वाइट हॉट होता है। बल्ब का फिलामेंट जब वाइट हॉट होता है तब लाइट बढ़िया आपको दिखाई देती है, रेड हॉट में उतनी अच्छी लाइट नहीं दिखाई देती। जैसे कि आपने देखा होगा हीटर जब होता है तो वो रेड हॉट होता है, वहां पे ज्यादा बढ़िया लाइट नहीं होती है, है ना। तो अब इसको सॉल्व करते हैं कैसे। पावर इज इक्वल टू वी आई लगा सकते हैं हम लोग। पावर आपको 100 दिया गया, वोल्टेज आपको 200 दिया गया है, आई हमें नहीं पता है, यहां से आई पता चल गया 0.5 एम्पियर, ठीक है। अब करंट हमें पता चल गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होंगे वो कैसे जा रहे होंगे, क्यू इज इक्वल टू एनी के हिसाब से। और बात इन्होंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू इट्स टंगस्टन फिलामेंट, इन्हें और अच्छा बोलना चाहिए पर सेकंड बोलना चाहिए, और बोला भी है, मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। तो पर सेकंड का मतलब ये हो गया कि टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड हो गया। तो अब एक और फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू एनी जैसा, एक और फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू आई टी। तो बस दोनों क्यू चार्जेस जो हैं उन्हें बैलेंस करने के लिए हम लोग बोल देंगे एनी इज इक्वल टू आई टी। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एन हो जाएगा डिवाइडेड बाय ई। आई कितना है 0.5 एम्पियर, टाइम कितना है 1 सेकंड, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है अभी हम लोगों ने पढ़ा 1.6 × 10⁻¹⁹। ये है आपका एलिमेंटरी चार्ज, है ना। तो अब ये ऊपर चला जाएगा यार, 10⁻¹⁹ हो जाएगा पूरा, 5 / 16 आप करेंगे तो 0.3 टाइप आने लगेगा। तो ये आंसर आएगा आपका 3.125 × 10⁻¹⁸, ठीक है। तो यही मैं आपको बताना चाहता था कि यार जब एक छोटे से बल्ब में इतने सारे इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन कितना छोटा होता होगा, चार्ज कितना छोटा होता होगा। इसीलिए हम लोग एक एक इलेक्ट्रॉन को फील नहीं कर पाते, हम हमेशा इतने बड़े बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन को जब देखते हैं तब कुछ समझ में आता है, और वो भी कितना समझ में आ रहा है, 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर काफी कम ही होता है अगर देखा जाए तो, लेकिन हाँ झटका दे देगा आपको 0.5 एम्पियर। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे होता था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वैसे ही हम लोग बोल रहे हैं यहां पर, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। याद है ना, हम लोग ने पढ़ा है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी में हम लोग बोलते थे इट कैन बी ओनली ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यहां पे हम लोग बोल रहे हैं चार्ज कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। पूरे यूनिवर्स में टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कांस्टेंट है। उसका कारण क्या है, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में नंबर ऑफ एटम्स तो उतने ही होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उसी के प्रोपोर्शन में होंगे। और द टोटल नंबर ऑफ चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ये एक दूसरा तरीका है इसी बात को कहने का। अब जैसे आइसोलेटेड सिस्टम को हमें समझना है, हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्लास रॉड को सिल्क से रगड़ रहे हैं, ठीक है। तो शुरू में ग्लास रॉड, बिफोर रगड़िंग, है ना, बिफोर द रबिंग, शुरू में ग्लास रॉड में चार्ज कितना रहा होगा, 0। इसमें भी चार्ज रहा होगा 0, 0 कूलम कर देते हैं। और रगड़न के बाद क्या हुआ, ग्लास रॉड अपना हो गया पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। कितना पॉजिटिवली चार्ज हुआ वो हमें नहीं पता है,
लेकिन ये हमें पता है जितना पॉजिटिवली चार्ज वो हुआ होगा उतना ही नेगेटिवली चार्ज सिल्क भी हुआ होगा, इसलिए इसे हम लोग बोलेंगे प्लस क्यू कूलॉम्ब और इसे हम लोग बोलेंगे माइनस क्यू कूलॉम्ब। अभी इसी में हम लोग कूलॉम्ब का डेफिनेशन और कूलॉम्ब का कन्वर्जन एसआई यूनिट ये सारी चीजें कर लेंगे, पहले ये समझ लेते हैं। तो देखिए इधर क्या हुआ, बिफोर द रबिंग टोटल चार्ज क्या हुआ, जीरो प्लस जीरो, यानी कि प्लस लगा देता हूं मैं यहां पे, ठीक है, यहां पे प्लस साइन लगा दिया ताकि जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, टोटल चार्ज बिफोर द रबिंग और टोटल चार्ज आफ्टर द रबिंग भी माइनस क्यू प्लस क्यू जोड़कर भी जीरो हो जा रहा है। तो इसका मतलब चाहे हम दोनों की रबिंग करें या ना करें, इसे बोलने ग्लास प्लस सिल्क सिस्टम, उसका टोटल चार्ज हमेशा जीरो ही रहेगा। नेट चार्ज ऑन रॉड सिल्क सिस्टम इज क्या क्या, जीरो, ठीक है। ये बहुत सिंपल एग्जांपल है, ऐसी चीज तो हम लोग पहले से जानते थे, ये थोड़ा सा नई चीज है। गामा फोटोन इंटरैक्ट्स विद न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि गामा फोटोन कोई नई चीज नहीं है, आपने पहले 10th क्लास में पढ़ा था अल्फा बीटा गामा, है ना। तो गामा जो होती थी वो रे होती थी, तो उसी रे में से किसी एक पार्टिकल को उठा दिया वो हो गया गामा फोटोन, ठीक है। गामा कैसा होता है, मासलेस और चार्जलेस, तो इसको हम लोगों ने न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला तो ये एकदम से टूट जाता है और एक पेयर बना देता है, किसका, इलेक्ट्रॉन का और पॉजिट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन तो आप ज्यादा अच्छे से समझते हैं, तो यानी कि आउट ऑफ नथिंग एक पेयर ऑफ पार्टिकल्स बन जाता है, क्योंकि गामा फोटोन तो कुछ है ही नहीं, मासलेस चीज है। आपको ये बता दें जो हमें चीजें दिखाई देती हैं सनलाइट, रेड कलर की, येलो कलर की, ग्रीन कलर की, विबग्योर है ना भाई, तो विबग्योर जो आता है सनलाइट से उसमें भी फोटोन ही होते हैं, लेकिन वो वाले विजिबल होते हैं और गामा वाले इनविजिबल होते हैं, तो ये भी एक तरीके से लाइट ही है। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बन गए, इसलिए आउट ऑफ नथिंग हमने कोई चीज बना ली, तो इसका एक स्पेशल नाम हम लोग देते हैं पेयर, क्योंकि ये पेयर बनाया, प्रोडक्शन। अब इसी के उल्टा क्या होगा, इन दोनों को जब हम लोग बहुत पास में ले आते हैं, एक्सट्रीमली शॉर्ट डिस्टेंसेस, ऐसा जैसे कि न्यूक्लियर डिस्टेंसेस है ऑर्डर 10^-15 मीटर के आसपास, तब क्या होते हैं, ये एक दूसरे के पास आते आते खत्म हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और दो गामा फोटोन बना देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गामा फोटोन लिखा भी हुआ है, और यहां पर हम लोग बोलेंगे पेयर, यहां पे पेयर का क्या हुआ, समाप्ति हो गई, खत्म हो गया, तो एनाइलेशन, है ना। एनाइलेशन का मतलब होता है समाप्ति, खत्म हो जाना, जैसे कि आप न्यूज़पेपर हेडिंग अगर बहुत पुरानी गूगल पे सर्च करिए, द सिटी ऑफ हिरोशिमा वॉज एनाइलेटेड बाय द एटॉमिक बॉम्ब, तो ऐसी चीज है। अब यहां पे एक चीज जो बुक में नहीं लिखी है मैं समझाऊंगा कि गामा से यहां पे दो बनाया और दो से फिर दो गामा बना लिए, तो इस तरह से इस गामा दो गामाओं से हम लोग फिर ई माइनस और ई प्लस बना लेंगे, तो ऐसे तो हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, बढ़िया फैक्ट्री लगा दें, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनाते चले जाए, बट ये तो फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का वायलेशन हो जाएगा, है ना। यहां पे दो हैं और फिर यहां से चार हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, तो ऐसा इसलिए होता है कि आप ये समझ लीजिए कि गामा, ये वाला गामा जो है जो पेयर प्रोडक्शन में हिस्सा लेता है उसकी वेवलेंथ अलग होती है, और ये दोनों गामा जो होते हैं जो पेयर एनाइलेशन का प्रोडक्शन है, पेयर एनाइलेशन का रिजल्ट है, इनकी वेवलेंथ अलग होती है। दिस गामा हैज डिफरेंट वेवलेंथ एंड दिस गामा हैज डिफरेंट वेवलेंथ, इस तरह से कि एनर्जी प्लस मास कंजर्वेशन हमारा होल्ड करता रहे। बढ़िया से लिख लीजिए, अभी एक एग्जांपल इसी चीज में और है। यूरेनियम डिके कर जाता है और एक बड़ा एटम बनाता है थोरियम का, बड़ा न्यूक्लियस बनाता है, और हीलियम
बन जाता है वहां पर। ये हीलियम डबली चार्ज होता है, मतलब प्लस टू इसमें चार्ज होता है। तो ये एक तरीके का अल्फा पार्टिकल ही है, मतलब डबली चार्ज हीलियम पार्टिकल कैसा होता है, अल्फा पार्टिकल ही है। ठीक है, तो ज्यादा बहुत रेडियो एक्टिविटी में घुसना नहीं है, लेकिन अगर आपने रेडियो एक्टिविटी चैप्टर क्लास 10th में थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि यहाँ पे हम लोग बैलेंसिंग करते हैं, वहां एक्स वगैरह करके हम लोग कैलकुलेट करते थे, 10th में था ये। तो 92 इज इक्वल टू 90 प्लस 2, 238 इज इक्वल टू 234 प्लस 4। लेफ्ट साइड और राइट साइड आराम से आपस में बैलेंस्ड है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे ये 92 का मतलब क्या है, कि यहाँ पे पहले इनिशियली चार्ज था 92e, यानी कि 92 प्रोटॉन थे उसमें। प्लस e का मतलब ये होता है ना, चार्ज होना प्रोटॉन, थोड़ी देर पहले टेबल में किया था। और ये क्या है, प्लस 90e, और ये कितना है, प्लस 2e। तो चाहे आपका पेयर प्रोडक्शन हो, पेयर एनाइलेशन हो, ग्लास रॉड सिल्क से रगड़ी जा रही हो, चाहे रेडियो एक्टिव डीके हो, हर जगह इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, मतलब टोटल चार्ज इनिशियली एंड टोटल चार्ज फाइनली हमेशा बराबर होते हैं। ग्लास रॉड वाले में 0-0 था, यहाँ भी 0-0 था, यहाँ 92-92 है, मतलब इनिशियल और फाइनल वैल्यूज बराबर है। तो अब थोड़ा सा चार्ज को हम लोग और समझते हैं अपने हिसाब से, कि SI यूनिट वगैरह समझते हैं जो मैंने बताया था कि हम लोग करेंगे। चार्ज के दो फॉर्मूले हम लोग पढ़ चुके हैं, Q इज इक्वल टू NE और Q इज इक्वल टू IT। ये वाला फॉर्मूला तब हम लगाते हैं जब करंट की इंफॉर्मेशन हमें दी गई हो या पूछी गई हो, और ये वाला फॉर्मूला तो केवल कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं तो मतलब इतना चार्ज पास हो रहा है। ये तो यही है कि यार एक ही अगर इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज इतना होगा, दो अगर होंगे तो इसके दुगना होगा, तीन होंगे तो इसके तिगना होगा, तो क्वांटाइजेशन वाली बात हो गई है ना। तो ये कोई फॉर्मूला भी नहीं, ये थोड़ा ज्यादा अच्छा फॉर्मूला है। तो क्यू चार्ज होता है, सिंबल ऐसा है। SI यूनिट चार्ज की क्या होती है, हम लोग ऑलरेडी कूलॉम्ब को अभी तक यूज कर रहे थे और समझ लेते हैं। तो कूलॉम्ब ये है, इसका जो CGS यूनिट है वो स्टैट कूलॉम्ब है, कुछ बुक्स ESU भी कहती हैं, और एक और नाम होता है फ्रैंकलिन। मुझे सबसे बढ़िया फ्रैंकलिन लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो पतंग उड़ाने वाले साइंटिस्ट थे फ्रैंकलिन, उनको सम्मान मिल रहा है। अच्छा, अब ये जो सी है इसका पूरा मतलब लिखने का तरीका कैसा है, ऐसा कूलॉम्ब, ठीक है, फ्रैंकलिन, ये तो साइंटिस्ट के हिसाब से हो गए, इसको तो वैसे ही लिख देंगे स्टैट कूलॉम्ब। और ESU होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये ESU, लेकिन पूरा ये लोग लिखते हैं यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। अब सबसे पहला जो सवाल आएगा इस पे, कि भाई एक कूलॉम्ब में कितने स्टैट्स होते हैं, एक कूलॉम्ब में कितने ESU होते हैं, एक कूलॉम्ब में कितने FR होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये तीनों अलग अलग हैं, ये सेम है, आपस में बराबर है। तो आप बस याद रखिएगा साइंटिस्ट वाला, 1 कूलॉम्ब इज इक्वल टू 3 × 10⁻¹⁹, ठीक है, 3, वैसे ये 2.9999 टाइप होता है, वही स्पीड ऑफ लाइट की तरह, लेकिन आप 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपको जल्दी कोई नहीं बताएगा, मैं एक बढ़िया शरारत आपको सिखा सकता हूं, आप अपने स्कूल के टीचर से बस इतना पूछ लीजिएगा, सर चार्ज की SI यूनिट तो हम लोग ने कूलॉम्ब याद कर ली, आप जरा हमें CGS यूनिट बता लीजिए सर प्लीज, बिना गूगल सर्च करे बता नहीं पाएंगे। कूलॉम्ब्स लॉ, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, टू पॉइंट चार्जेस कहाँ है, ये दोनों Q1 एंड Q2। हम पहले से जानते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। इस रिपल्शन या फिर अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्टैटिक इसलिए क्योंकि ये कैसे हैं, रुके हुए हैं। कुछ लोग इसे इलेक्ट्रिक फोर्स भी कह देते हैं। ये कैसी फोर्स है,
वेक्टर है पहली बात तो, है ना। तो फोर्स अगर बोलने तो वेक्टर है, इसलिए डायरेक्शन की बात जरूर करेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, तो ये है लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। तो फोर्स या तो इस डायरेक्शन में होगी या तो इस डायरेक्शन में होगी, डिपेंडिंग की अट्रैक्शन है या रिपल्शन है। देखो अट्रैक्शन है अगर तो दोनों एक दूसरे के पास जाएंगे, रिपल्शन है तो दोनों एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस रिपेल और अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्जेस। तो देखो हमने क्या सीखा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू टू, एफ इज क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस को हम लोगों ने आर माना है, ठीक है। तो ऐसा हो गया। अब इन तीनों बातों को ये दूसरी ये तीसरी ये हम लोग मिला के हम लोग लिख सकते हैं, कैसे, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के डाल देंगे। ये के में काफी चर्चा होगी क्योंकि के काफी इंपॉर्टेंट है यहां पे और बड़ा बड़े रूप में अभी लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, सबकी हम लोग पहले यूनिट समझ लें, है ना। एफ की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। Q1 या Q2 की यूनिट क्या होगी, कूलॉम्ब। और R की यूनिट क्या होगी, मीटर, ठीक है। चलिए ब्रैकेट में पूरा नाम लिख देता हूं, न्यूटन कूलॉम्ब और मीटर। तो इसलिए आप इस धोखे में ना रहें कि ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है तो वो यूनिट लेस होगा, ना। K की यूनिट होगी, क्या होगी देखते हैं। देखो यार हम लोग लिख सकते हैं k इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय q1 बाय q2, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। r को इधर ले जाए और q1 q2 को नीचे ले जाए, तो इसकी यूनिट क्या हो सकती है, न्यूटन, फोर्स का न्यूटन, r का मीटर, स्क्वायर और नीचे कूलॉम मल्टीप्लाइड बाय कूलॉम, यानी कि कूलॉम स्क्वायर। तो इसीलिए याद रखिएगा इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलॉम स्क्वायर। अब के की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। अगर अगर के जो है ये पूरा एक्सपेरिमेंट एयर में किया जा रहा है या वैक्यूम में किया जा रहा है, तो एक्सपेरिमेंटली पाया गया है कि के की वैल्यू 9×10^9 होती है, ठीक है। तो उसको भी हम लोग लिख लेते हैं, थोड़ा जगह साफ करें। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या था, सिंपली इस वाले फॉर्मूले में हम लोगों ने Q1 Q2 दोनों को 1 कूलॉम बनाया, यानी एक एक कूलॉम के दो चार्जेस लिए, उनके बीच में जो डिफरेंस है जो सेपरेशन है जो डिस्टेंस है उसे 1 मीटर ही रखा। तो यार ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 स्क्वायर हो गया, तो इस तरफ तो 1 ही हो गया, यानी F is equal to K हो गया। तब उस फोर्स को मेजर किया गया तो वो फोर्स 9×10^9 न्यूटन हुई। अगर वो फोर्स 1 आ जाती तो K की वैल्यू भी 1 हो जाती। इसलिए ध्यान रखिए कि फोर्स जो है वो K के बराबर हो जाता अगर ये 1 और ये 1 ले लिया जाए, इसीलिए K की वैल्यू हो जाती है 9×10^9 और यूनिट याद रखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलॉम स्क्वायर। K की वैल्यू बच्चों 9×10^9 तब आती है जब ये दोनों चार्जेस वैक्यूम में रखे हो या फिर एयर में रखे हो। तो वैक्यूम या एयर वाली बात को हक से जताने के लिए हम लोग K को 1/4πε0 लिख देते हैं। डरिएगा नहीं, इसको क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन कुछ लोग बोलते हैं, नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये वाला नॉट भी नहीं होता है एक्चुअली, ये वाला नॉट होता है, बट क्या फर्क पड़ता है।
कुछ लोग बोलते हैं एप्साइलन जीरो, ठीक है। इस एप्साइलन जीरो का भी कुछ मतलब है, अभी बताएंगे। तो एक तरीके से के को ये लिख दिया, तो एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। आप बोलेंगे सर ये क्या किया आपने, मतलब ये थोड़ा ठीक लग रहा था तो और बड़ा हो गया। एक्चुअली ये 1/4 पाई एप्साइलन नॉट यही बताता है कि ये किस मीडियम में, अगर के केवल हम लोग लिख रहे हैं तो मीडियम का पता नहीं चल पा रहा। आगे आप देखेंगे कि एप्साइलन नॉट में भी हम लोग एक के मल्टीप्लाई करेंगे। चलो अभी कर देते हैं, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन नॉट और ऐसा के, ये के और ये के अलग अलग है भाई, ये बड़ा है और ये छोटा है, मेरा थोड़ा बताने का तरीका ऐसा है कि एक ही जैसे लग रहे हैं, ठीक है। दिस इज कैपिटल के एंड दिस इज स्मॉल के, तो ये दोनों बातें अच्छे से अगल बगल या ऊपर नीचे लिख लीजिए। अब समझिए थोड़ा सा, यहां पर ये एयर या वैक्यूम के लिए, एयर और वैक्यूम एक ही जैसा चलता है, जैसे हम लोग नहीं म्यू पढ़ते थे उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, ये किसके लिए है, फॉर एनी मीडियम। अच्छा, जब तक बच्चों 9×10⁻⁹ ही यूज करना है, वैक्यूम या एयर दिया हुआ है तो आपकी चॉइस है, आप ये भी लिख सकते हैं ये भी लिख सकते हैं। लेकिन कोई और मीडियम दिया हुआ है जैसे ग्लास दिया हुआ है तो उस केस में आपको ऐसा लिखना चाहिए, क्योंकि एयर या वैक्यूम है तो इसमें इसमें कोई फर्क नहीं है, ये जनरल है एक्चुअली, मतलब ये इसको भी कवर कर रहा है ये इसको भी कवर कर रहा है और ये दोनों स्पेसिफिक है, ठीक है। तो अच्छे से लिख लीजिए। अब बात आ जाती है कि यार एप्साइलन नॉट होता क्या है। सबसे पहली बात तो k प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, तो पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ये वाला k है परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ फ्री स्पीच, ठीक है, परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ फ्री स्पीच। ऐसा इसलिए, फ्री स्पेस का तो मतलब समझ गए होंगे यार कि हाँ चलो एयर या वैक्यूम है, ठीक है। अब जब आप रेज के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, उस समय एप्साइलन नॉट के साथ एक और कांस्टेंट आएगा म्यू नॉट, तो वो दोनों हम लोग को क्लियर होंगे। अभी फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। अब क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन नॉट, ये डायमेंशन लेस नहीं है, इसीलिए एप्साइलन नॉट भी डायमेंशन लेस नहीं है, ये यूनिट लेस नहीं है इसीलिए ये भी यूनिट लेस नहीं है। तो अगर अगर के की यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलॉम स्क्वायर, तो एप्साइलन नॉट की यूनिट क्या हो जाएगी, इसका उल्टा, कूलॉम स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। और इसकी वैल्यू 9×10⁹ है, तो एप्साइलन नॉट की वैल्यू क्या होगी, अभी कैलकुलेट करते हैं। के को नीचे ले आए और एप्साइलन जीरो को उस तरफ ले गए, मतलब इन दोनों को यार इंटरचेंज कर दिया, ये यहां आ गया। अब ये पाई कुछ नया नहीं है, ये वही है 3.14 है, और ये के क्या है 9×10⁹। क्या दिक्कत है, तो ये एप्साइलन जीरो आ जाता है 8.85×10⁻¹2। और यूनिट क्या होगी, थोड़ी देर पहले जाना, कूलॉम स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। बस मस्त है अपना, एग्जाम में आपको एप्साइलन जीरो की वैल्यू कैलकुलेट करने को आ जाएगा, एग्जाम में आपको एप्साइलन जीरो की डायमेंशन निकालने को आ जाएगा, पूरे 1/4 पाई एप्साइलन नॉट या फिर के की वैल्यू आपको कैलकुलेट करने को आ जाएगी, के की डायमेंशन आपको कैलकुलेट करने को आ जाएगी। वैल्यू कभी ये आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं,
ये क्योंकि एक्सपेरिमेंटली आई थी, अगर कोई पूछे तो बस बोलो कि हाँ भाई यहाँ पे वन रखो, यहाँ पे वन रखो, यहाँ पे वन रखो, तो एफ अपने आप आ जाता है 9 × 10⁻¹, इसलिए के है 9 × 10⁻¹. तो डायमेंशन निकाल लेते हैं, एप्साइलन नॉट और 1/4 πε₀ दोनों की हम लोग डायमेंशन निकालेंगे। पहले इस पूरे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की डायमेंशन निकाल लेते हैं। एक ऐसा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है एयर या वैक्यूम वाला, ठीक है। अब इसे ऐसे ही लिख दो, डायमेंशन निकालनी है तो ऐसा बना दो। मैं इसको पूरा के भी लिख सकता था बट ठीक है, MLT-2। अब R क्या है, डिस्टेंस है तो L स्क्वायर। अब Q की डायमेंशन कुछ लोग को नहीं आती होगी क्योंकि Q होता है Q = IT, चार्ज इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो Q की यूनिट होती है कूलॉम, I की यूनिट होती है एम्पियर, टाइम की यूनिट सेकेंड। इसलिए अगर कोई आपसे चार्ज की डायमेंशन पूछे तो आप क्या लिखेंगे, AT, ठीक है। ये एम्पियर सीधे ही ऐसे भी लिखा जाता है डायमेंशन में भी, सेकंड का डायमेंशन होता है टाइम टी, है ना। तो यहाँ पे एटी, फिर एटी, दो बार एटी आएगा एक तरीके से। अब बस 1/4 πε₀ की डायमेंशन आपके सामने आ रही है, एम अकेला, एल पावर 3 है ना, और टी पावर -4, 1, 2, -2 है, और ए पावर -2, ठीक है। तो ये तो डायमेंशन हो गई, और कोई इस डायमेंशन के आधार पर यूनिट बोल सकता है 1/4 πε₀ की क्या, केजी मीटर क्यूब सेकेंड टू द पावर -4 और एम्पियर टू द पावर -2। मजा नहीं आया है ना, मतलब ये तो याद ही करना काफी मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए कन्वीनियंस के लिए लोग ये वाली यूनिट याद करते हैं। एफ क्या है, न्यूटन, आर क्या है, मीटर स्क्वायर, स्क्वायर लगा हुआ है ना, डिवाइडेड बाई कूलॉम, कूलॉम, कूलॉम स्क्वायर। तो ये भी यूनिट सही है, ये भी यूनिट सही है, ज्यादा पॉपुलर यूनिट ये है, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला बताना होगा तो हमें यही बताना पड़ेगा इस तरह कैलकुलेट करके। ये डायमेंशनल फॉर्मूला है 1/4 πε₀ का, ठीक है। अब एप्साइलन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला भी यहीं से आ जाएगा, काफी लोग ने तो ऐसे ही गेस कर लिया होगा, क्योंकि 1/4 πε₀ का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग ऐसा क्लेम कर रहे हैं, ML³ t⁻⁴ a⁻²। तो भाई 4 और पाई क्या है, डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट्स है, 4 इज डायमेंशन लेस एंड पाई इज ऑल्सो डायमेंशन लेस। तो हमें, हम यहां से ये लिखे हैं तो 4 और पाई की डायमेंशन को 1 ले लेते हैं, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर दें, 1 मल्टीप्लाई करें भी क्या, कुछ ना लिखें तो ये भी आप लिख सकते हैं सीधा, क्योंकि डायमेंशनली तो इतना भी लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हम लोगों ने 4 पाई की वैल्यू 1 ले ली, उसकी डायमेंशन की वैल्यू 1 ले ली। अब इसको उलट दीजिए, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो यहां भी सबके रेसिप्रोकल हो जाएंगे, मीटर इनवर्स, ओ सॉरी, मास इनवर्स लेंथ टू द पावर -3, टाइम टू द पावर 4 और एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। ये उलट गया, ये उलट गया, ये उलट गया, ये उलट गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने एप्साइलन नॉट का भी डायमेंशन निकाल लिया। आप सीधे यहाँ, मतलब एप्साइलन नॉट को अलग कर लेते और सबको निकाल लेते, सीधे यहां से यहां भी आ सकते थे, हम लोग इस रास्ते से आए, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे हम लोगों ने एप्साइलन नॉट की डायमेंशन ली और 1/4 πε₀ की डायमेंशन ली, इसके बाद हम लोगों ने इसकी यूनिट लिखी थी, इसकी भी यूनिट लिखेंगे डायमेंशन के हिसाब से, पहले तो बिल्कुल उल्टी, केजी इनवर्स हो जाएगी, मीटर टू द पावर -3 हो जाएगी, सेकंड टू द पावर 4 हो जाएगी, एम्पियर की पावर स्क्वायर हो जाएगी। बट ये ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, पॉपुलर नहीं है, पॉपुलर ये है कूलॉम स्क्वायर डिवाइडेड बाई
न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एक और बात आ जाती है, थोड़ा सा ध्यान दें। हम लोगों ने क्या सीखा कि भाई न्यू जो कूलॉम्स लॉ है वो ये है। कूलॉम ने जनरल लॉ दिया था कि भाई मीडियम क्या है इस सब की हम चिंता नहीं करेंगे, आप यहां पे चुपचाप के लिख दीजिए। ये के इसे भी इंक्लूड कर रहा है, ये के इसे भी इंक्लूड कर रहा है, हर तरह के मीडियम को इंक्लूड कर रहा है। फिर आपने बोला नहीं नहीं हमें एयर या वैक्यूम वाला ही देखना है, तो हम लोग इस रास्ते चले गए। आपने बोला किसी और अदर मीडियम के बारे में देखना है जहां पे एयर और वैक्यूम ना हो, यार वैक्यूम और फ्री स्पेस में कोई अंतर नहीं होता है ना, तो फ्री स्पेस वाला ये एप्साइलन नॉट वाला है और एनी अदर मीडियम वाला है एप्साइलन नॉट के। इसीलिए कुछ लोग क्या करते हैं, एक और फॉर्मूला बता देते हैं, एप्साइलन इज इक्वल टू एप्साइलन नॉट के। ठीक है, तो ये यहां पे हम लोगों ने क्या बोला, एप्साइलन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और ये वाला एप्साइलन क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। ठीक है, ये वाला एप्साइलन जो है ये है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखिएगा कि k की वैल्यू हमेशा 1/4πε0 नहीं होती, k की वैल्यू ये भी हो सकती है, k की वैल्यू ये भी हो सकती है। अब एक और चुल्ला सकती है, एक और डाउट आ सकता है कि सर ये k और ये k ये क्या है भाई, तो मैं बोलूंगा ये k है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जिसकी डायमेंशन है। उसकी डायमेंशन कितनी है यार, k की डायमेंशन और इसकी डायमेंशन ये लिखी हुई है ना, यही k की डायमेंशन है, यही 1/4πε0 की डायमेंशन है और यही 1/4πε0 बड़ा k की भी है। बड़ा k क्या है, एक डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है। ठीक है, बड़ा k इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब मैं पूछूंगा k की, बड़े k की वैल्यू 1 कब होगी, जब हम लोग बात कर रहे होंगे वैक्यूम या एयर। ये खुद ही देखो यार, अगर बड़ा के वन हो जाएगा तो एप्साइलन और एप्साइलन नॉट में कोई अंतर ही नहीं हो जाएगा, तो एप्साइलन खुद एप्साइलन नॉट बन जाएगा, वो फ्री स्पेस वाला बन जाएगा और इस बड़े के की कोई डायमेंशन नहीं होती, बड़ा के इज डायमेंशन लेस। इसकी थोड़ी फील लेने के लिए मैं आपको बता दूं, ग्लास के लिए ये वैल्यू आई थिंक 80 होती है, मैं कंफर्म कर लेता हूं, हाँ ग्लास की नहीं होती है, वाटर की 80 होती है। ठीक है, तो वैसा आपको नहीं सोचना है कि जो म्यू होता था हम लोग का, म्यू क्या चीज होती थी बताइए आप लोग, म्यू होता था कॉन्स्टेंट किस चीज का, बता नहीं पा रहे आप लोग, अरे भाई लाइट जाती थी ना, तो लाइट जाने में एक कभी म्यू जो था वाटर का 1.33 हो जाता था, म्यू ग्लास का 1.5 हो जाता था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आई बात समझ में, तो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता था तो वहां पर वाटर का कम होता था ग्लास का ज्यादा होता था, तो वो वाला लॉजिक आपको नहीं लगाना है कि वही चीज यहाँ पे भी हो, यहाँ थोड़ा सा अलग चल रहा है, डेंसर रेयरर नहीं देखना है यहाँ पे आपको, आपको बता दिया जाएगा कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ग्लास का 6 है और वाटर का 80 है। अब यहां से आप देख सकते हैं कि वैक्यूम और एयर को क्यों हम लोग साथ साथ में पढ़ते थे, क्योंकि वैक्यूम और एयर में कैपिटल के की कोई खास वैल्यू में डिफरेंस नहीं है, तो क्या याद रखिएगा कैपिटल के डायमेंशन डायमेंशनलेस है, नॉन डायमेंशनल है, और जो छोटा वाला के होता था, छोटा वाला के यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, उसकी डायमेंशन हम लोग ने क्या निकाली थी, एम एल क्यूब टी टू द पावर 4-4 ए टू द पावर -2। ठीक है ना, और एक और हम लोगों ने निकाली थी एप्साइलन जीरो
m l to the power minus 3, m की पावर माइनस 1, t to the power 4 और a square. तो याद रखिएगा इस बड़े वाले k की डायमेंशन ये है, छोटे वाले k की डायमेंशन ये है, epsilon 0 की डायमेंशन ये है. उल्टा पुल्टा मत करिएगा आप, ठीक है. हाँ, यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि हाँ जो ये वाला k है, इस वाले k की बोले चाहे इस वाले k की, इस वाले 1 upon 4 pi epsilon naught की बोले, इसकी भी यही डायमेंशन, इसमें और इसमें कुछ खास फर्क नहीं है. डायमेंशन लेस क्योंकि है तो यहाँ पे ये वाला k लिख दें तो इसकी भी डायमेंशन यही है. यहाँ पे 1 upon 4 pi epsilon naught k ये वाला फॉर्मूला लगा दें और जीरो यहाँ ना लगाएं तो इसकी भी डायमेंशन ये है. सब सब कुछ समराइज हो चुका, समझ में आ गया होगा आपको. डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दो और फैंसी नाम हैं, रिलेटिव परमिटिविटी और स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी. तो वो आगे पढ़ेंगे, अभी वैसे भी ज़्यादा फेमस नाम जो है वो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही है, तो अभी तो वही बुलाएंगे हम उसे. दो सिचुएशन ली हम लोगों ने, एक बार तो भाई इनके बीच में एयर है या वैक्यूम है जो मान लो, यानी कि k की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ठीक है. और दूसरी बार हम लोगों ने कोई तगड़ा डाइइलेक्ट्रिक ले लिया, ठीक है. तो वो डाइइलेक्ट्रिक की वैल्यू कैसी होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, मतलब 1 से ज्यादा होगी, 80 हो सकती है, 6 हो सकती है, डिपेंडिंग कि क्या मटेरियल है. तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, k लिख देंगे, ठीक है भाई. अब यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे कि इन फोर्सेस का क्या भविष्य होगा, कौन सी फोर्स ज्यादा होगी, कौन सी कम होगी. तो F1 ये वाली हो गई बिना डाइइलेक्ट्रिक के, F2 कौन सी हो गई डाइइलेक्ट्रिक के साथ. तो अब हम लोग क्या करेंगे, F1 अपॉन F2 कर दें, डिवाइड कर दें दोनों को. तो ये F1 डिवाइडेड बाई F2 कैसा, 1 अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट, और यहाँ पे Q1. अच्छा देखो यार, ये मल्टीप्लाई कभी कभी लिख देता हूँ मैं, कभी नहीं लिखता हूँ, आपकी मर्जी है, ना भी लिखें तो भी चलेगा, ठीक है. और यहाँ पे आ गया नीला वाला K, ठीक है. और चार्जेस वही हैं, सेपरेशन यानी डिस्टेंस वही है, ठीक है. तो अब इसको काट दिया, इसको काट दिया, इसको काट दिया, इसको काट दिया, सब कट गया वन, तो वन काटने कोई मतलब नहीं है, ठीक है. अब ये क्या हो जाएगा, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर तो वन ही है, तो F1 upon F2 is equal to K by 1 हो जाएगा, ठीक है. यहां से हम लोग बोल सकते हैं F1 upon F2 is equal to K by 1, है ना. यानी कि हम लोग कह सकते हैं F2 is equal to F1 by K, इसमें भी कोई बुराई नहीं है. और ये बात हम लोग जानते हैं कि जो k है वो कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि ये k क्या करेगा, f2 को f1 से कम कर देगा. यार k हमेशा अगर एक से ज्यादा होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो f2 क्या हो जाएगा, f1 by 3, f अगर जो भी वैल्यू होगी f2 क्या हो जाएगा, f1 by 80. तो यानी कि ये वैल्यू को डिक्रीज करेगा, F2 की वैल्यू को डिक्रीज करेगा. इस केस में जो फोर्स आएगी उससे कम ही फोर्स यहां पे आएगी. और सही बात है, बीच में रुकावट है, इसलिए रुकावट की वजह से फोर्स इस केस में कम आती है. उसी चीज को हम लोग लिख रहे हैं, इफ देयर इज सम डाइइलेक्ट्रिक बिटवीन द चार्जेस देन द फोर्स डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ के. अगर के इज इक्वल टू 1 ही है तो फिर कोई बात ही नहीं है. तो ये भी एक बढ़िया लॉजिक है, इस पर कई सारे सवाल बनते हैं कि कितने टाइम्स कम होगा, क्या होगा. तो अब आपको हमेशा याद रहेगा कि फैक्टर के से कम हो जाना है, तो जो वो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दें बस उसी से आप फोर्स को डिवाइड कर दीजिए. हो गया सब. बड़े मजे की बात है कि कूलॉम्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ जो कि न्यूटन ने दिया था उनकी शक्ल काफी मैच करती है. देखो ये भी एक कांस्टेंट है, Q1 Q2 by R square, ये भी एक कांस्टेंट है, M1 M2 by R square. तो दोनों ही कैसे हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ है, यानी दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन 1 अपॉन R square.
दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन 1/r². लेकिन काफी सारे डिफरेंसेस भी हैं कि भाई यहाँ पर प्लस माइनस टाइप के दो दो टाइप के चार्ज होते हैं, इसीलिए फोर्सेस अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों तरीके से हो सकते हैं। लेकिन मास का कोई पॉजिटिव मास या नेगेटिव मास ऐसी कोई बात नहीं होती है, इसलिए ये वाली फोर्स जो होती है वो केवल अट्रैक्टिव होती है। और यहाँ पे मीडियम पे डिपेंड करते हैं, यहाँ पे हम लोग एप्सिलॉन नॉट के भी कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर मीडियम के चेंज होने से कोई चेंज नहीं होता है। ये जो फोर्स है कूलम्स लॉ वाली, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये बहुत स्ट्रॉन्गर होती है, लेकिन ये वाली काफी वीक होती है। लेकिन वीक होती है, बट अगर मासेस बहुत बड़े बड़े हैं तो ये भी काफी अप्रिशिएबल होती है। इसी फोर्स की वजह से तो अर्थ और मून सिस्टम बंधा हुआ है और अर्थ और सन सिस्टम बंधा हुआ है, क्योंकि ये मासेस बहुत बड़े बड़े हैं, तो इसलिए ये वीक फोर्स होने के बाद भी इतनी बड़ी बड़ी चीजों को टांगे हुए है, आपस में कनेक्टेड करे हुए है। अच्छा, अब कूलॉम, तो ये मच स्ट्रॉन्गर और मच वीकर को अगर आप कंपेयर करें छोटी चीजों में, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स में आप देखेंगे तो ये 1:10^43 है, और अगर प्रोटॉन्स में हम देखें तो ये 1:10^36 है। मतलब इतने गुना स्ट्रॉन्ग है ये, इससे ये वाली इससे इतने गुना स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रॉन्स के केस में। अब ये कंपेरिजन आप केवल चार्ज पार्टिकल्स में कर सकते हैं, क्योंकि मासेस तो हर चीज में होती है लेकिन चार्जेस हर चीज में नहीं होते। अब जैसे आप ये कंपैरिजन अर्थ और मून सिस्टम में नहीं कर सकते, क्योंकि अर्थ और मून इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और आपसे कोई पूछे कि अर्थ और मून में कितना कूलॉम्स फोर्स लग रहा है, तब बोलेंगे जीरो। अब यहाँ पे इसके कांस्टेंट को तो हम लोगों ने अच्छे से समझ ही लिया है, याद भी कर लिया है, 9×10^9 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलॉम स्क्वायर, सही है। और अगर आप भूल गए हो तो उसका भी कांस्टेंट लिख लिया जाए, ये वाला जी, ये कितना होता है 6.67×10^-11, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था, और ये है न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर। तो देखो यूनिट भी मतलब मिलती जुलती है, एग्जैक्टली सेम तो नहीं है, लेकिन है मजेदार, कि काफी अच्छी बात है। यही ब्यूटी है फिजिक्स की, कि ये दोनों लॉ जो हैं हम लोग एक साथ पढ़ सकते हैं, आपस में कंपेयर कर सकते हैं, और अच्छी काफी सिमिलैरिटी है शक्ल में, एक भूल जाए तो दूसरा याद करने में मदद करेगा। 1/4 πε₀ थोड़ा कट गया था, बढ़िया से देख लीजिए। तो कूलॉम्स लॉ जो हम लोगों ने पढ़ा उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, खासकर केमिस्ट्री में, जैसे कि इलेक्ट्रॉन कैसे चक्कर लगाते रहते हैं न्यूक्लियस का, वो जो सोलर सिस्टम वाला मॉडल को फॉलो करते हैं, सोलर सिस्टम वाले एक्चुअल सोलर सिस्टम में क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रही होती है, और उसी मॉडल में हमारा छोटा सा एटम होता है, एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन किससे मिलता है, कूलॉम्स लॉ से, कि भाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है और प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज है, पूरा न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, तो नेगेटिव चीज पॉजिटिव का चक्कर लगाता रहता है और बाउंडेड रहता है कूलॉम्स फोर्स से। अब उसके बाद दो एटम है सिमिलर एटम, जैसे नहीं हम लोग O2 गैस लिखते हैं, तो इसमें एक ऑक्सीजन गैस है और दूसरी ऑक्सीजन गैस है, वो दोनों शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बाउंडेड रहते हैं, तो वहां पे भी एक तरीके से कूलॉम्स लॉ लगता है। NaCl यहाँ तो बहुत तगड़े से कूलॉम्स लॉ लगता है। हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा करके लिखते हैं, यहाँ पे भी कूलॉम्स लॉ लगता है। और कोई कई जैसे बेंजीन है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं कूलॉम्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन रहता है। कई मॉलिक्यूल्स मिलकर सॉलिड या लिक्विड बनाते हैं, तो नहीं आप लोग ने ये वाला देखा होगा, तीन सॉलिड लिक्विड गैस, बहुत बार बनाया होगा आपने, कि सॉलिड में एटम्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं
वो बहुत पास पास होते हैं, गैस में थोड़ा दूर दराज हो सकते हैं, लिक्विड में थोड़ा बहुत दूर दराज हो सकते हैं, थोड़ा चिपके रहते हैं, बट गैस में भाई फुल टोस अलग अलग। ठीक है, तो ये जो चिपका चिपकी होती है सॉलिड लिक्विड्स में वो किसकी वजह से होती है? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर मान लीजिए कि प्योर सॉलिड है, प्योर मेटल है, केवल आयरन है, तो हम लोग इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल देंगे। तो ये कहां से आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? वो भी कूलॉम्स फोर्स से ही आता है। अब फ्रिक्शन नहीं होता है कि क्लास 11th में आपने पढ़ा था कि कांच की सरफेस किसी टेबल पे अगर रखते हैं या एक कांच की सरफेस एक और कांच की सरफेस पे रखते हैं तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है, जबकि मतलब उसमें फ्रिक्शन ज्यादा हो जाता है, जबकि हम तो बहुत स्मूथ कर दिए हैं, तो इतना स्मूथ करने के बाद फिर वो दो कांच की लेयर्स आपस में चिपक क्यों रही है? उसका जो फ्रिक्शन का एक्सप्लेनेशन है वो भी आता है कूलॉम्स लॉ से ही। तो वो क्लास 11th में आपको आपने पढ़ा होगा बढ़िया से, अगर नहीं पढ़ा है तो फ्रिक्शन वाला चैप्टर देख लीजिए थोड़ी देर के लिए। मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगा, अगर कोई कमेंट में बोलेगा कि सर किस टाइम पे वो फ्रिक्शन में आपने बात की है तो मैं टाइम दे दूंगा वहां पर। चलिए तो अब बात इसको खत्म कर देते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस को, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको समझ में आ गया। अब आ जाते हैं हम लोग न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर मान लीजिए ये एक प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज और ये भी एक प्रोटॉन है, तो इनके बीच में दो चीजें होंगी, एक तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये लाल वाली थी, ये चिपकना चाहेंगे क्योंकि एटॉमिक न्यूक्लियर डिस्टेंसेस जो हैं वो 10^-15 मीटर के ऑर्डर में है और अपनी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस इसी ऑर्डर की डिस्टेंसेस पे काम करती हैं, तो ये आपस में बहुत तेजी से चिपक भी रहे हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, लेकिन हल्का सा वीक कूलॉम्बियल रिपल्शन भी रहता है, मतलब कूलॉम्स फोर्स भी रह रही, क्योंकि यार दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपल्शन हो रहा है, ये कूलॉम्ब कह रहे हैं। और याद रखिएगा न्यूक्लियर फोर्सेस हमेशा अट्रैक्टिव होती हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन में भी अट्रैक्शन हो रहा है, देखो मतलब दोनों चीजें पॉजिटिव है तब भी अट्रैक्शन हो रहा है, ये न्यूक्लियर फोर्स में होता है, लेकिन कूलॉम्बियन फोर्स में क्या होता है? रिपल्शन होता है। याद रखिएगा कि न्यूक्लियर फोर्स कूलॉम्बियन फोर्स से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होती है, इसलिए तो उनका स्ट्रांग नाम है। इनफैक्ट प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं, इनफैक्ट न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, बट लिमिटेशन वहां पे ये है कि ये बहुत छोटी डिस्टेंसेस पे काम करती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ज्यादातर जो अपने न्यूक्लियस है वो स्टेबल तो होते हैं, ये जीतता रहता है हमेशा, लेकिन जब न्यूक्लियस बहुत बड़ा हो जाता है जैसे यूरेनियम का, तब फिर क्या होता है कि बहुत बड़ा होने की वजह से ये जो फोर्सेस है उतनी डोमिनेंट नहीं रहती हैं, इनका भी जो कंट्रीब्यूशन है अच्छा खासा हो जाता है, जीतते यही है लेकिन इसकी वजह से फिर थोड़ा थोड़ा बगावत भी आ जाती है, ये लोग तो परिवार को एक साथ रख रहे हैं लेकिन हल्की हल्की बगावत इसकी वजह से हो रही है, और यही बगावत क्या करती है? रेडियो एक्टिविटी को जन्म देती है, और रेडियो एक्टिव मटेरियल्स में बिना यूरेनियम के एग्जांपल के तो चलेगा ही नहीं, यूरेनियम थोरियम रेडियम ये सब क्या हो जाते हैं? रेडियो एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर जो कूलॉम्बियन रिपल्शन है वो अच्छा खासा हो जाता है, तो छोटे छोटे टुकड़ों में ये टूटने लगता है, अल्फा बीटा पार्टिकल्स को ये रिलीज करने लगते हैं। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर इज 81.0, फाइंड द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वाटर। देखिए आपको डाई इलेक्ट्रिक के बारे में तब ज्यादा सुनने को मिलेगा जब आप कैपेसिटर्स चैप्टर करेंगे, बट फिर भी इस क्वेश्चन में जितनी जरूरत है उतना मैं आपके लिए लिख देता हूं। कुछ टर्म्स आएंगे आपके सामने, अरे 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 ये सब चीजें क्या है भाई? देखिए एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वाटर क्या किसी भी सब्सटेंस के लिए आप लिख सकते हैं एप्साइलन नॉट, एप्साइलन, और
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के लिए आप लिखेंगे एप्साइलन नॉट। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, लेकिन एप्साइलन बोलते हैं। और ऐसे लिख दिया तो बोलेंगे एप्साइलन जीरो बोलते हैं कुछ लोग नॉट बोलते हैं। ठीक है, ये जीरो लगा दिया तो इसकी वजह से आ गया नॉट। ठीक है, तो इसको बोलेंगे एप्साइलन, एप्साइलन नॉट। तो एप्साइलन का जो यहां पर वैल्यू है वही हमें कैलकुलेट करनी है। एप्साइलन नॉट एक स्टैंडर्ड है और उसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, मैं देखकर बताता हूं, आप लोगों को याद होना चाहिए। एप्साइलन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻¹2। 8.85 × 10⁻¹2। ठीक है, देख लेता हूं कुछ कट तो नहीं रहा है। और इसका यूनिट भी होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिलहाल तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और आपने अब तक इस चैप्टर में ये जरूर पढ़ लिया होगा 1/4 πε₀, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻¹9। तो जिससे ये जो यूनिट आती है वो Q1 Q2 / r² के फॉर्मूले से आती है, मतलब इसकी यूनिट जो आती है इस फॉर्मूले से आती है। तो इसकी यूनिट निकाल ली हमने, फिर उसी से एप्साइलन नॉट की यूनिट निकालने के लिए उसका इनवर्स कर लिया। तो ये सारी चीजें मैंने अपने लेक्चर्स में बताया है, उसमें आप जाकर देख लीजिए। फिलहाल तो अगर आप डायरेक्टली ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ज्यादा लॉजिक आपको नहीं पता है, तो आप यहां पर रट लीजिए कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को हम लोग एप्साइलन नॉट बोलते हैं और उसकी यूनिट होती है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहां पे तीन तीन नाम लिखे गए हैं, लेकिन इन सब का एक ही सिंबल होता है, और एक ही सिंबल क्या होता है, के। तो के आपको दिया गया है 81.0 और के की कोई यूनिट नहीं होती है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की यूनिट नहीं होती है। तो बस हमारे पास सीधे से एप्साइलन इज इक्वल टू एप्साइलन नॉट के, ये फॉर्मूला हमें लगा देना है। एप्साइलन नॉट क्या होता है, 8.85 × 10⁻¹2। ठीक है, और कूलम स्क्वायर वगैरह जो भी आप करना चाहें मल्टीप्लाइड बाय 81, के की वैल्यू रख ली तो बस 8.85 × 81 कर लेंगे, 8 5 8 8 5 8 8 64 64 6 8 64 6 70 5 8 16 7 7 1 6.85, इस टाइप आ रहा है 7 1 6.85 × 10⁻¹12 आ रहा है। लेकिन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो इसको दो प्लेसेस इधर कुदाओ, 7.1685 × 10⁻¹, इसको 100 गुना कम किया है तो इसको 100 गुना बढ़ाओ −10। तो अब हम लोग इसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं × 10⁻¹10। और देखो यूनिट क्या रहेगी, एप्साइलन की भी वही यूनिट होगी जो एप्साइलन नॉट की होगी, कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऐसे लिख दो, चाहे इनवर्स में लगा के लिख दो, कोई नई बात नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने एप्साइलन को कैलकुलेट कर लिया है। थोड़ा सा अलग सा सवाल है अभी तक जो हम लोग कर रहे थे उससे, लेकिन आगे जब आप कैपेसिटर्स का चैप्टर करेंगे बच्चों, तो ये फॉर्मूला हम लोग बड़ा फ्रीली यूज करेंगे। देखिए, ये शायद अब तक आपने सीख लिया हो कि 1/4 πε₀ की वैल्यू होती है 9 × 10⁻¹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलम स्क्वायर। इसी में पाई की वैल्यू 3.14 रख देते हैं और हम लोग एप्साइलन नॉट कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो इतना आ जाता है। सो दिस क्वेश्चन इज, फॉर अपार्ट द टू इलेक्ट्रॉन्स बी इफ द फोर्स बिटवीन देम इक्वल्स द वेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन।
थोड़ा सा टंग ट्विस्टर टाइप सवाल है, इस पर ध्यान देते हैं हम लोग कैसे। पहली बात तो आप फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, ये बात समझिए। व्हाट विल बी द वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, जहां एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। और व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, वो होगा एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, जहां पे Q1 विल बी चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, Q2 विल ऑल्सो बी चार्ज ऑन अनदर इलेक्ट्रॉन, है ना। तो एक तरीके से F इज इक्वल टू W की कुछ बात हो रही है ना। तो दो इलेक्ट्रॉन्स हमने यहां पे लिए और इनके बीच की डिस्टेंस ही हमें कैलकुलेट करनी है, ये आर हमें कैलकुलेट करना है, ये Q1 है, ये Q2 है। इस सिचुएशन को यूज कर रहे हैं हम लोग F में, ठीक है, इस सिचुएशन को यूज कर रहे हैं हम लोग F में। और एक और सिचुएशन बना देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन हवा में टंगा हुआ है और इसका है W इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। तो W इज इक्वल टू एम जी जो है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ऐसा कुछ हम लोग कर रहे हैं। तो 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में होता है हमेशा, इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। तो हम जानते हैं 1/4πε0 हमेशा 9×10⁻⁹ के इक्वल होता है, और Q1 जो है वो Q1 इज इक्वल टू Q2 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है 1.6×10⁻¹⁹ कूलॉम। और उसके बाद R हमें कैलकुलेट करना है, मीटर में आना चाहिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.0 जो आपको बुक में दिया हुआ है, कई जगह 9.1 भी दिया हुआ है, ×10⁻³⁰ kg। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। ये सारा रॉ मटेरियल हमारे पास है, तो इसको सब जगह प्लग इन कर दो अपनी अपनी वैल्यूज को और आंसर आना चाहिए 9×10⁻⁹ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, लिख देता हूं Q1 और Q2 दोनों ही ये हैं, तो इसका स्क्वायर हो गया एक तरीके से 1.6×10⁻¹⁹, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू एम 9×10⁻³⁰ × 9.8। द क्वेश्चन इज वेरी क्रूअल, बहुत ज्यादा कटपिट नहीं रहा है, अगर ये 9.8 की जगह 10 होता तो हमारा काम बन जाता, लेकिन लाइफ इज नॉट सो सिंपल। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9×10⁻⁹ × 1.6×10⁻⁹ × 1.6×10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 9×10⁻³⁰ × 9.8। चलो ये 9 ये 9 इससे कैंसल हो गया, ठीक है, और हमारे पास क्या बचा 1.6×1.6, इसको हम लोग 2.56 लिख सकते हैं, 2.56 डिवाइडेड बाय 9.8 × 10⁻⁹ यहां पर है −19 −19 +31, और कुछ तो छूट नहीं रहा है, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, 10⁻⁶ वाले ऊपर सारे लिख लिए, 31 को भी ऊपर ले आए और 9.8 नीचे रह रहा है। चलो भाई अब 31 9 40, 40 में से 38 गया यानी 10⁻² तो 2.56×10⁻² डिवाइडेड बाय 9.8। अब तो भाई मैं थोड़ा सा चांस ले रहा हूं कि इसको 10 लिए ले रहा हूं, ठीक है,
तो 10 अगर होगा तो एक पावर कम कर देगा, यानी कि 2.56 में 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25.6। अब 25.6 का अंडर रूट करेंगे तो आर आ जाएगा 5.06, यानी कि और ये लगभग आ रहा है हमारे आंसर के बराबर ही 5.1 मीटर, और सही कर लिया हम लोगों ने। आप और एक्यूरेट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, बट ये भी स्ट्रेटेजी एग्जाम में काम आएगी। आप शुरू से ही 9.8 को 10 मत कर दीजिए, जब लगेगी अरे 9.8 से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है तब आप उसको धीरे से 10 मान लीजिए। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, कौन सा केस किया? पहला केस किया जब हम लोग डील कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और फिर इसके बाद हम लोग डील करेंगे कौन सा केस, प्रोटॉन्स को, है ना। पहले इसे कॉपी करिए, तो जब इलेक्ट्रॉन्स की जगह ये पूरी सिचुएशन हम लोग प्रोटॉन्स में एनालाइज करेंगे, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन का ही नाम चेंज कर देते हैं, ये आ गया हम लोग प्रोटॉन्स पर। तो प्रोटॉन्स पे आने में क्या चेंज क्या होगा, Q1 Q2 तो वही रहेंगे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज सेम एज चार्ज ऑन प्रोटॉन, लेकिन मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो अलग होगा। तो मास ऑफ प्रोटॉन को चलिए मैं चेंज करने के लिए एमपी कर ले रहा हूं यहां पर, और मास ऑफ प्रोटॉन होता है कितना, 1.7 × 10⁻²⁷, 1.7 × 10⁻²⁷ kg। तो यहां पे भी सेम काम होगा, अब फॉर्मूला हमारा रिड्यूस हो जाएगा, आर स्क्वायर को उधर ले जा रहा हूं, इस बार मैं पूरा एक्सप्रेशन ही लिखे दे रहा हूं, 4πε0 Q1 Q2 / mass of proton × acceleration due to gravity, ठीक है। 9 × 10⁻¹⁹ × 1.6 × 10⁻⁹⁹ × 1.6 × 10⁻¹⁹ Q1 Q2 दो बार आ रहा है ना बच्चों, ठीक है। और आप प्लस माइनस की चिंता नहीं करें, जब दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे तो दोनों नेगेटिव साइन होंगे, और दोनों नेगेटिव साइन होंगे तो रिपल्शन होगा, पॉजिटिव आ जाएगा आपका फोर्स, और दोनों जब प्रोटॉन है तो प्लस प्लस है, रिपल्शन होगा, एक बार फिर से पॉजिटिव आ जाएगा आपका फोर्स, इसलिए मैंने पिछली बार नेगेटिव नहीं लिखा है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। और डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन क्या है भाई, 1.7 × 10⁻²⁹ × 9.8 = r², ठीक है भाई। अब तो कुछ कट भी नहीं रहा है, सिचुएशन और भी ज्यादा गंभीर है, ठीक है। 9 × 1.6 × 1.6 ऊपर ऊपर, और नीचे 1.7 × 9.8 × 10⁻¹⁹ × 9 − 19 − 19 + 27 = r², ठीक है भाई। तो ये हो गया, अगर आप चाहें तो सारे डेसिमल से निजात पा सकते हैं, 16 × 16 हो गया 256, 256 × 9, न छक्का 54, कैरी 5, न पना 45, 5 60, कैरी 6, न दूनी 18, 6 24। तो न्यूमरेटर में तो आ गया 2404, फिर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 17 और 98 को, लो भाई 98 × 17 आ गया 1666। अब एक बार यहाँ पे सही से कर लिया जाए जरा काम, 9 × 54 हासिल लगा 5, 9 × 45 5, 50 से लगा 5, 9 × 18 = 5 23, पिछली बार मैंने 2440 दिया था उसके लिए सॉरी, ओके पिछली बार क्या थोड़ी देर पहले ही। अब 2304 / 1666 तो
अब तो कैलकुलेटर की मदद भाई मैंने ले ली है और यहाँ 10 टू द पावर का भी काम कर ले, 27 प्लस 9 हो गया 36, 36 माइनस 38 हो गया माइनस 2, तो इसे डिवाइड किया आपने 2304 डिवाइडेड बाय 1666 आ जाता है 1.3829 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। बहुत दूर है अभी भी हम लोग आंसर से। अब यहां से आप बोल सकते हैं आर स्क्वायर ये है तो आर इसका अंडर रूट होगा, तो अंडर रूट इसका निकाल ले हम लोग 1.3829 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 1, अंडर रूट 1.3829 आ जाता है 1.175 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, यानी कि डेसिमल एक बार और इधर खिसकेगा और हम लोग पहुंच गए हैं जो आंसर बुक में लिखा है 0.117 न्यूटन में डिस्टेंस नहीं होगी भाई, ये हो जाएगा आंसर मीटर में। सो दिस विल बी द रेडियस, दिस विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्रोटॉन्स, इस तरह से कि उनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो वेट ऑफ वन प्रोटॉन के बराबर आ जाए। सो दिस क्वेश्चन इज कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो देखो हम लोग ने ये पढ़ा था फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε₀ Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये भी वैसा ही है लेकिन इस बार हम लोग बोल रहे हैं F12 यानी फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो ये अगर मान लीजिए दोनों पॉजिटिव है ना, यहाँ पे अजम्पशन क्या है बोथ पॉजिटिव, बोथ नेगेटिव में भी ये चीज चल जाएगा, हम लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं ठीक है। तो रिपल्शन होगा, दोनों इधर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे, तो जो Q1 पर धक्का आ रहा है उसे बोल रहे हैं F12, लेकिन वेक्टर फॉर्म में करेंगे, मजा नहीं आ रहा है ऐसे जम नहीं रहा है, तो हम लोग यहां पे R12 कर देंगे कैप ठीक है, और यहां पे क्या कर देंगे R21 कर देंगे कैप यूनिट वेक्टर ठीक है। अब R12 कैसा होगा, यहां पे होगा ठीक है भाई, इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वही R12 की डायरेक्शन होगी, तो चलो लिख देते हैं R12 कैप, और इस वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वही यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी, इसे लिख देंगे R21 कैप ठीक है। अभी थोड़ा सही कर दूंगा मैं, काफी छोटे दिख रहे हैं। अच्छा यूनिट वेक्टर अगर आप नहीं समझते हैं तो थोड़ा सा मैं पीछे ले जाऊंगा जब आपने वेक्टर्स पढ़ा था, मान लीजिए कोई वेक्टर b है 2i + 3j, तो उसका b कैप यूनिट वेक्टर होगा, जैसे ऐसे है ये वेक्टर b ऐसे है, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, एक छोटा सा पार्ट b कैप ठीक है। तो b कैप को कैसे निकाला जाएगा, इस यूनिट वेक्टर इस बड़े वेक्टर को हम लोग इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा, b इज इक्वल टू √2² + 3² तो ये हो गया 4 और ये 9 13, तो बस हमें क्या करना होगा 2i + 3j / √13। तो इन दी एंड हमें ये समझना है कि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम निकाल सकते हैं अगर उस वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। तो अब अगर मान लीजिए इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है या ये जो सेपरेशन है दोनों के बीच में, डिस्टेंस अब नहीं बोलेंगे क्योंकि यार डिस्टेंस बोलना सही नहीं होगा, डिस्टेंस वेक्टर नहीं होता, तो इसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे या इसके रेस्पेक्ट में इसका पोजिशन वेक्टर भी बोल सकते हैं। अच्छा तो अब r कैप इज इक्वल टू r वेक्टर r डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r है ना, तो ये काम अब हम लोग यहां पे कर सकते हैं कैसे, भाई ये लाल वाला है तो लाल ही लिखें, F12
is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 by q2 divided by r square. सही है? अब r12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके हिसाब से, r ऐसा डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r. ठीक है, उसी तरह हम लोग इसको भी लिख लेंगे, है ना. आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, थोड़ी और मेहनत. अब एक बात समझो, r12 का क्या मतलब है कि 1 के रेस्पेक्ट में 2 की डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट. r21 का क्या मतलब है, 2 के रेस्पेक्ट में 1 की डिस्टेंस, है ना. तो दोनों के हिसाब से अगर देखो तो यार, अगर इनका मॉड ले लोगे तो वो तो यही डिस्टेंस आ जाएगी ना. डिस्प्लेसमेंट का मॉड क्या होगा, डिस्टेंस होगी, तो वो यही डिस्टेंस आ जाएगी. तो उसकी जगह हम लोग आर लिख लेंगे. यही काम अब हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं. तो यानी कि इसमें, इस आर में और इस आर में कोई ज्यादा अंतर नहीं है. आर स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा आर क्यूब. उसी तरह आर स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा आर क्यूब. लाल वाला ने तो जम नहीं रहा है, काला वाला. ठीक है, काला और लाल मैंने इसलिए किया है क्योंकि ऑलरेडी 1 2 इतना कंफ्यूजिंग है, तो कम से कम इधर वाला जो फोर्स वेक्टर है वो यहां पे समझा जा रहा है, इधर वाला फोर्स वेक्टर है वो यहां पे समझा जा रहा है. बस तो ये फाइनल रिजल्ट हो गया. यहां पे बिल्कुल ये मत समझिएगा कि यहां पे इनवर्स स्क्वायर लॉ ही ब्रेक हो गया, क्योंकि ये वाला आर एक, ये वाला आर इसकी एक पावर कैंसिल कर देगा, तो अल्टीमेटली वो बन ऐसा ही जाएगा. ठीक है, तो ये वेक्टर फॉर्म का अब हम लोग थोड़ा सिग्निफिकेंस समझेंगे कि भाई ये सब चीज पढ़ने की जरूरत क्यों है. दो बातें वेक्टर से यहां पर निकल के आई कि देखो r12 और r21 जो है वो यूनिट वेक्टर्स हैं और दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो इसलिए हम लोग, और यूनिट है तो मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, अपोजिट डायरेक्शन है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं. अब r12 में आप 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square का यहां पे मल्टीप्लाई कर दें, यहां पे भी मल्टीप्लाई कर दें, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो f12 है, f12 पे यूनिट वेक्टर ना लगाकर बल्कि हम लोग ये वाला वेक्टर लगाएं तो ज्यादा सही रहेगा. f12 और f21 जो है, ऐसे यूनिट वेक्टर भी लगा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ज्यादा बढ़िया रहेगा. ये दोनों भी आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये तो हमें पता ही था पहले से, तो लेकिन अब डायरेक्शन ज्यादा कंफर्म हो रही है वेक्टर से. Therefore, the forces exerted by the two charges are equal and opposite. बराबर भी हैं और opposite भी हैं. तो यानी कि Newton's third law यहाँ पर confirm हो रहा है. नहीं जैसे rocket में होता है, वो जिस force से ऊपर जाता है, उसी forces से उसकी fuel gases भी निकलती हैं, है ना? Waste gases भी निकलती हैं. अब दूसरी बात, एक तो ये हो गया कि equal and opposite direction है, equal magnitude, opposite direction. दूसरी बात, जो ऑपोजिट डायरेक्शन है वो अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन है. अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन कौन सी, वो लाइन जो Q1 और Q2 को जोड़ रही है, ये डॉटेड लाइन. तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक सेंट्रल फोर्स है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक सेंट्रल फोर्स थी. जब हम लोगों ने यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेयर किया था, उस समय मैंने आपको ये नहीं बात बताई थी कि ये दोनों ही फोर्सेस सेंट्रल फोर्स है. अगर आपसे कोई बोले कि इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल के बीच में दो सिमिलैरिटी बताइए, तो पहली सिमिलैरिटी, बोथ द फोर्सेस फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, और दूसरी सिमिलैरिटी, बोथ द फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्स.